वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, फाइनेंशियल न्यूज के साथ हम मॉर्निंग अपडेट में है। मार्केट फिर से इन्वेस्टर को रुला रखा है। निफ्टी और सेंसेक्स अगेन बहुत ही ज्यादा टूटे हुए हैं। निफ्टी 9728 पहुंच चुका है, जो कि 729 पॉइंट टूटा। निफ्टी 729 पॉइंट, सेंसेक्स भी 2400 पॉइंट टूट के 33218 पे है। आप कह सकते हैं कि मैं इसको दो टर्म में कह सकता, एक वैसे इन्वेस्टर उनके पैसे तो लूज हो ही रहे, लेकिन एक नए इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बेस प्राइस पे इंटर करें और एवरेजिंग करते रहे, तो हो सकता है कि आप अच्छे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। इसके अलावा SBI ने अपने जो सेविंग बैंक अकाउंट रेट था उसको भी कट डाउन कर दिया, जो कि पहले 3.25 था वो अब उन्होंने 3% कर दिया। लेकिन उन्होंने एक अच्छी चीज क्या की है कि जो बैंक में जो मिनिमम मेंटेनेंस चार्जेस थे उसको भी वेव कर दिया है। इसके अलावा यस बैंक के जो कस्टोडियन है, जिन्होंने RBI ने जो एडमिन अपॉइंट किया, उन्होंने अपने कस्टमर को एक फीडबैक दिया है कि आपके जो भी पैसे यस बैंक में वो पूरी तरह से सेफ हैं, कहीं कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ अप टू 2 लाख तक के EMI जो कि अगर आपके अकाउंट से लग रहे हैं यस बैंक, वो भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, वो या तो हो चुके होंगे या स्टार्ट होने वाले। इस पर उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ये भी सुविधा बहाल हो जाएगी। इसके अलावा कोरोना वायरस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि मार्केट गिरने का रीजन है, WHO ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक घोषित कर दिया है। इसकी वजह से पूरा मार्केट पैनिक हुआ पड़ा है और ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में आप देख सकते हैं कि डाउन दिख रहा है। कोरोना वायरस में के वजह से ही इंडिया ने भी अभी जितने भी ई वीजा और टूरिस्ट वीजा थे उन सबको कैंसिल कर दिया गया। लगभग 9 लाख के आसपास टूरिस्ट आने वाले थे, उनको अभी मना कर दिया गया, आप कह सकते हैं रोक दिया गया। इसका भी इंपैक्ट इंडियन मार्केट में भी दिख रहा है, जिसकी वजह से आप जो आज सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देख रहे हैं उसके ये भी एक रीजन है। इसके अलावा अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जितने भी यूरोपियन टूरिस्ट थे उन्हें भी, एक्सेप्ट UK, जितने भी वीजा थे उनको, टूरिस्ट वीजा को रोक दिया गया, वहां भी कंप्लीट शटडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मार्केट में गिरावट की जो रीजन देखे जा रहे हैं, उसमें 4-5 कारण प्रमुख है। एक तो कोरोना वायरस का जो WHO ने अनाउंसमेंट किया है उसका भी पैनिक देखा जा रहा है। इंडिया ने टूरिस्ट वीजा पे बैन लगा दिया है। US के टूरिस्ट जो यूरोपियन एरिया से जितने भी फ्लाइट थे उनको कैंसिल कर दिया गया। FII अगेन बहुत ही ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं। जब पैनिक सिस्टम होता है तो ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड होता है। इसके अलावा 6% का ऑयल प्राइस में भी गिरावट आई है। ये ऐसे कारण है जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा गिरावट हुई। तो अभी के लिए इतना ही, हम शाम के फिर अपडेट के साथ आपके पास फिर से अवेलेबल होंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना ना भूले, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। साथ के साथ हम सारे OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो ऐसे ही देखते रहे। वॉच टैक्स फॉर वेल्थ।